नमस्ते हेलो ये कैसा हेलो है सॉरी हेलो 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 ये भी अच्छा नहीं लग रहा कुत्ता हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नॉट ब्लॉग मेरे पॉडकास्ट ओके सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे हाथ पैर मारने का बहुत शौक है अगर कोई काम मुझे नहीं आता है फिर भी मैं वो बहुत मजे से करती हूँ बिकॉज मेरे अंदर एक चुल है ठीक है मेरे को एक ही जिंदगी मिली और मैं इसको अच्छे से बर्बाद करना चाहती हूँ तो इसीलिए मैं ये पार्ट का सीरीज स्टार्ट करी जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स उठाए हैं जो मैं आपको ऐसे ही यही ये, ये जगह पे बैठ के बताऊंगी ठीक है मैं बाहर नहीं जा रही हूँ और मेरे पास रात को ही टाइम होता है बिकॉज मॉर्निंग टाइम मेरी क्लास होती है दुख मेरी क्लासेस फिर मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं आज मैं आठ घंटे का एग्जाम दे के आई हूँ मैं यहीं पर बनाऊंगी मेरे पास कोई अच्छा सा सेटअप नहीं है तो कोई सेटअप के बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा मेरा ये छोटा सा लैम्प है जिसके नीचे मैं दिन रात पढ़ती हूँ एंड पीछे वो सजावट थोड़ी सी है एंड देन ये खरगोश प्रीत को मैं पहले ही मिलवा चुकी हूँ उसके बाद यहाँ पे जो पेपर है ये मैंने काइंड ऑफ निमोनिक्स रखे हैं लगाए हुए बना के कि मैं पढ़ूंगी ताकि उठते ही मैं देखू सोते ही मैं देखू बट जिसको मैंने आज तक नहीं देखा है वो शॉफ के लिए रखा है आज मेरा जो टॉपिक है वो बचपन पे मतलब मैं इंडिया में कैसी थी वो सब बताने के लिए है तो मैंने बर्थडे में मेरी पिछली रूममेट ने मुझे दिया था वाइडर बहुत यूज करते हैं मुझे ये यूज करने का मन नहीं कर रहा है मेरी ड्रेस से मैच नहीं हो रहा है लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट में मुझे बोला था कि ऑफ शोल्डर लुक्स गुड ऑन मी मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हूँ तो खरीदने का शौक मुझे बहुत है ये पता नहीं कौन से लोग कहते हैं ये क्लैविकल बोन ये ब्यूटी पॉइंट है मेरे घर वाले कहते हैं मुझे कमजोरी की निशानी बताते हैं एक्चुअली इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मेरे मम्मा पापा को नहीं पता है मेरे फ्रेंड्स को पता है मेरे भाई को पता है बट मम्मा पापा से हम कुछ ऐसी चीजें शेयर नहीं करते हैं कुछ ऐसी चीजें कुछ मतलब समझ लो और इस वीडियो के थ्रू वो भी जान जाएंगे और मतलब उनका एक अलग सा रिएक्शन मुझे देखने को मिलेगा सो लेट्स सी कि उनका क्या रिएक्शन होता है सो स्टार्ट द वीडियो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपना सारा कुछ तो नहीं बता पाऊंगी तो मैं बीच बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मतलब जो पॉइंट मुझे याद है वही सब बताऊंगी मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाई है तो आप इस वीडियो को देखते देखते अपना ना कुछ दिमाग में सोच रहे कि आपका बचपन कैसा था और आपके साथ कुछ मेरे साथ मैचिंग हो रहा है तो प्लीज वो कमेंट में बता रहा मुझे बड़ा सुनने में मजा आएगा या कुछ यूनिक सी चीज आप करते थे जैसे मैं करती थी आपको बताऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दू की मैं पंजाब लुधियाना से हूँ मैंने जितना भी इंडिया में टाइम बिताया मैंने लुधियाना में बिताया तो लुधियाना से मेरी अलग अटैचमेंट है मतलब कोई अगर इंस्टा पे रील आती है ना लुधियाना की तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि की ये तो वो जगह जहां मैंने कुछ कांड किया था मतलब कुछ भी था मैंने बहुत गुल खिलाए थे कितना डिफरेंस है फोर्थ फिफ्थ क्लास की लड़कियां चलो थर्ड क्लास की लड़कियां भी गेट रेडी विद मी बना रही हैं भाई चटक मटक आया लाल रंग की लिपस्टिक लगा ली कहने पहन लिए मांग टीका लगा रही चूड़िया पहन रही हैं साड़ी पहन के वीडियो बना रही है हमारे टाइम में हम लिप पाम लगा रहे। बाल खुले छोड़ दें हमारी टीचर्स हमारे बाल काट देती थी चांटे पे चांटे मारती थी हमारी टीचर्स और ऊपर से मतलब मुझे लगता है कि मेरी मेरी क्लास में मेरे बाल किसी ने नहीं देखे खुले हुए क्योंकि मेरी मम्मी लड्डू बना के बेचती थी दो तो लड्डू टेंथ तक प्लस वन प्लस टू तो में एक लड्डू इसीलिए मुझे लगता है मुझे अभी भी बाल खोलने का शौक नहीं है और आजकल की जनरेशन मतलब तैयार होके साइड में बॉयफ्रेंड के साथ और साथ में साइड की वाले बॉयफ्रेंड होते हैं और साथ में वीडियोस बनाते हैं भाई मुझे शौक था खुशबू वाली रबड़ों का खुशबू वाली रबड़ उसको यूज नहीं करना खुशबू लेते रहना उससे ही नशा हो रहा है हमें वो पता नहीं कि हमारे रेजर आई थी वो रेजर से ऐसे लाइन मारो फिर धागे बनाते रह जाते थे पेंसिल के छिल्लड़ बचा रहे हैं ताकि हम घर जाके उसको रबड़ बनाएंगे क्लास में बैठे बैठे वो रुमाल से हम मेरी मम्मी यहाँ पे रुमाल बना के बेचती थी मतलब यहाँ पहना के नाक पहुँचने के लिए रुमान से हम उसके गुडा गुडी बना रहे हैं उसकी शादी कर रहे हैं अलग ही नशे में थे हम लोग ये आजकल का कौन सा नशा चल रहा है जो हमें पढ़ाया नहीं गया या इनको कोई रोक टोक नहीं होती हमारे तो भाई टीचर इतनी बेइज्जती करते थे आज लोग के लोगों को, को कोई बेइज्जती फील नहीं होती चांटे नहीं ना पड़ते इनके इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं कि मेरे को बचपन में पढ़ने लिखने का बहुत शौक था बट नहीं मतलब मुझे बग्गी में गेड़ी लेने का बहुत शौक था मतलब गाइस सीरियसली मैं दो साल की थी मुझे बग्गी में गेड़ी लेने का शौक था उसको मैं मोटरसाइकिल से भी ऊपर मानती थी में में मुझे बैग पहली कभी नहीं होती थी क्योंकि मैं खाती थी मैं आज भी वो सलेटी पता नहीं आप मतलब गंदा बोलते हो बट मुझे वो सिलेटी खाना बहुत पसंद है बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है उसके बाद मेरा पेट बहुत दर्द होता था बट अभी भी मुझे बहुत पसंद है पानी आ गया पे वो जब बग्घी वाले अंकल आते थे उनको कहती अंकल अंकल केड़ी दे तो मतलब ये सब मैं बात करती थी वो एक पॉइंट है नेक्स्ट ये कि आ, मुझे ना बचपन से ही हरी सब्जियां नहीं पसंद है अब मैं खा लेती हूँ काफी हद तक बट बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह मुझे भी हरी सब्जियां नहीं पसंद थी सिर्फ एक खीरा पसंद था मुझे हाई स्कूल तक मैंने हरी सब्जियों को हाथ नहीं लगाया सिर्फ आलू खाया अगर कोई हरी सब्जी के साथ आलू बना मैं आलू ही खाऊंगी सुक्की रोटी होती थी उसमें ना क्यों घी चौपड़ के दे दो मैं वही चबाती रहती थी पूरा दिन मेरी मम्मी ना कपड़े धो के डालती थी ना जब छत पे तो उसमें से ना पानी गिरता होता था मैं सुखी रोटी लेके वो मतलब कपड़े का ना पानी में मतलब पीती थी मुझे एक सरफ के पानी की एडिक्शन सी हो गई थी उस टाइम पे मतलब मैं रोटी खा रही हूँ प्यास लग रही और भाई मैं चोड़ के पानी पी लो भाई इस कपड़े का गली में ना धुएं वाली गाड़ी आती थी, थी? हम तो पागल हो जाते थे हम उसका नशा करते थे सारे गली के बच्चे हम पंजाबी में बोलते थे ठीक है और धुए वाली गड्डी आगे मतलब बहुत मजा आता था, था उसमें मतलब किसी को चाटा मार के निकल जाओ कुछ भी करो ये सब तो मैंने बात किया हुआ है मुझे भी बचपन में बाकी बच्चों की तरह दलेरी वाले काम करने की बहुत आदत थी इसकी वजह से मैंने बहुत चाटे खाए बहुत मार खाई तीन या चार साल की होंगी मतलब मैं स्कूल से आई मुझे पता लगा गुरुद्वारे में लंगर लगा मैंने कपड़े खोले निर बनैन पहन के मैं लंगर खाने गई अपने मतलब गली मेट्स के साथ भाई, मैं लंगर खा के आई तो इतनी छित्रों से मेरी परेड की गई मुझे मम्मी पापा ने इतना पेला मतलब वो पेलने वाला सिलसिला मेरे हाई स्कूल तक नहीं रुका मम्मी कहती है ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाने थे तो मेरे भी दिमाग में आया कि चलो मम्मी ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाना है मैं मम्मी की चुन्नी पहन के लपेट के साड़ी बना के मतलब एक एक जो इंडियन मतलब मेरे अंदर है साड़ी पहनने का अभी तक है वो पहन के मैं मम्मी के चूड़िया पहन के मांग टीका लगा के लंगर खाने जाती थी गाइज लंगर मुझे बहुत पसंद है गुरुद्वारे का लंगर इज माई फेवरेट मुझे बहुत बचपन से लाड प्यार से पाला गया मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ मुझे मिला मुझे पता है तो तो एक मेरा भाई के आने की वजह से बट गया नहीं तो मैं अपने मम्मी पापा लाड डाली थी वो मुझे सिर पे रखते थे इसीलिए मैं ऐसी हूँ आई डोंट नो मुझे ये बात बतानी चाहिए कि नहीं थोड़ी गंदी है बट ओके सो मुझे बचपन में ना अम्म पेंटी में पोटी करने की आदत से हो गई थी वो इसीलिए हो गई थी क्योंकि मुझे मैंने बिस्तर भी काफी टाइम तक गीला किया है आ, काफी मतलब पांच साल तक मुझे लगता है मैंने किया है मुझे ना वॉशरूम से डर लगता था मतलब मम्मी पापा को ये नहीं पता है मैंने कभी क्योंकि ना मुझे वो जो होल होता था ना टॉयलेट में उससे मुझे ऐसा लगता था कि वो कीड़ा मार आएगा और मुझे खा लेगा तो मतलब मैं जितना हो सके उतना कंट्रोल करती थी इसकी वजह से क्या होता था मेरी पैंटी में पोटी हो जाती थी और मेरे पप्पा की नाक इतनी तेज है कि भाई वो सूंघते थे तूने पैंटी में पोटी किया और लया सर्दी हो गर्मी हो बारह बजे चार बजे सुबह के वो मुझे नहला देते थे तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह कुछ अजीब सी हरकतें करती थी जैसे वो जो बंद ब्रेड होता है ना उसमें जो चेरी होती है वो सारी निकाल के रख लेना भाई उसको अगले दिन खाना कि भाई मज़ा आएगा घर में कोई मेहमान आया है और उसके सामने कुछ ऐसी हरकतें करना कि भाई मुझे वो चीज़ खानी है मुझे पूछ लो प्लीज़ अगर वो एक बार कह देना खाना है मैं फटाफट हाथ डालू और सारा खा लू बट मम्मी पापा की वो जो आंखें होती है वो हमें रोक लेती है हमारे टाइम में एक एक रुपए की चीजें भी आती थी, थी तो वो चांद सितारे के पैकेट होते थे वो खाना और चूरन से होते थे जिनकी स्मेल बद, पद वाली होती थी वो खाना तो वो पाइप सी होती थी जिसमें से जूस निकलता था एक एक उस टाइम पे तो दो दो रुपए की आइसक्रीम भी आती थी, थी अब नहीं आती है वो मुझे बहुत पसंद होती थी सारी चीजें मुझे बहुत पसंद होती थी स्पेशली जिसमें पर्ची निकलती थी और वन प्लस वन होता था लॉटरी के चक्कर में इतना बेकार वाला वो खाती थी टाइम पे मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक था तो मेरे पास ना ब्राउन स्केच जो होता था ना उससे मेहंदी लगाती थी वो बीच में फिर यहाँ यहाँ मतलब मुझे वो वैसे ही रखने का शौक मतलब मैं हर रोज मैं वो लगाती थी अगले दिन वो पर्पल -पर कलर का हो जाता था तो पर फिर ऊपर से ब्राउन कलर का लगा लेती थी तो मैंने मेहंदी बहुत लगाई है और मैंने छबील वगैरह अगर कहीं लगी हो तो मैं डोलू भर भर के लाती थी फिर उसको बोतल में भर के अपने दिन अगले दिन स्कूल में लेके जाती थी और ना एक ना बड़ा वो वो आई थिंक अब है कि नहीं पता नहीं जमेट्री जो होती है ना जमेट्री बड़ी लोगों की अच्छी अच्छी होती थी हमारे घर वाले तो बीस रुपए वाली लेकर देते थे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ली थी पचास रुपए वाली बट वो जमेट्री मैं कभी नहीं ले पाई जिसमें वो गेम्स होती थी वो छोटी सी ऐसी लाइन जो होती थी उसमें ऐसे ऐसे सा ऐसे ऐसे सब में डालते थे तो उसकी वजह से मेरे पापा ने ऐसे फोन से एक फोन वाला गेम होता है वो लेके देते मैं सारा दिन वो लेके बैठी रहती थी मुझे बचपन से ही टीवी देखने का बहुत शौक है इसीलिए मैंने कोरिया में आके सबसे पहले लैपटॉप लिया था क्योंकि मुझे वो टीवी देखने का अलग ही शौक है मतलब मैं डोरेमोन बेबलेड पॉकीम सब तो मुझे कार्टून देखने का बहुत शौक था अगर इमोशनल बात स्टार्ट करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ठीक है मतलब हम इतने अमीर नहीं है कि भाई हम हर महीने ट्रिप पे जाते हैं अच्छा बहुत अच्छा खाना खाते हैं इतने गरीब भी नहीं है कि हमें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है हम मिडिल क्लास से हैं जब अचानक से मेरे पापा ने मेरे लिए ना साइकिल खरीदी मैं इतनी खुश हुई इतनी खुशी मेरे मेरे दो चार चक्कों वाली साइकिल थी पहले मैंने वो चलाना शुरू की वो साइकिल मेरी गली में मेरी सबसे अच्छी थी पिंक कलर की टोकरी बड़ी सी मतलब मुझे सब लोग कहते थे भारती तेरी साइकिल बहुत अच्छी मतलब मैं इतनी खुश होती क्योंकि ना मेरे पापा ने मुझे साइकिल लेके दी उस साइकिल के चक्कर में मेरे यहाँ पे ये 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 कांटा जो आप देख रहे हो ना ये उसी साइकिल के चक्कर में अपने भाई से लड़ रही थी मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा मारा और मैंने अपना सिर ऐसा घुमाया ना कि वो साइकिल की घंटी में लग गया तो ये तब से मेरा ये चीर जो है वो मेरा मार्क सा बन गया है अगर ऐसे ही मैं अगर कुछ कुछ अपने बताऊँ ना चीज़ें तो जैसे मेरी आँख के ऊपर भी एक है मतलब यहाँ पे भी मेरे टांके से लगे मेरे कान में भी टांके लगे ओके तो आंख वाला टाका ये है बचपन में सबको बड़े बड़े दिखने का बहुत शौक होता था तो पता नहीं हमें क्या आग लगी थी हमें इतना जल्दी बड़ा होना है बड़े हो गए हैं तो बचपन में जाना है मम्मी की बड़ी बड़ी चप्पल बड़ी बड़ी सैंडल्स पहन मैं तो 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 मैं के मैं टॉर में पर्स लेके पोड़ियों से उतरी मम्मी की साड़ी वाली पहन के मम्मी मैं आ रही हूँ ऐसे साड़ी से साड़ी पहन के उतर रही थी वो चप्पल जो है ना वो मुझे संभली नहीं क्योंकि वो चप्पल जो काफी बड़ी थी और पोड़ी जो थी वो इतनी सी थी वो चप्पल ना वो आगे गई ना तो वो मैं भाई पौड़ी से ऐसे गिरी कि वो आगे ना कील वगैरह सब था तो वो मेरे सीधा यहीं पे लगा और थैंक और मेरी आँख बच गई तो मतलब मेरे सेंसरी ऑर्गन्स बड़े इफेक्ट किए हैं मतलब मेरी आँख पे चोट है मेरी नाक पे चोट है मेरे कान में भी चोट है यहाँ पे है यहाँ पे निशान है वो इसीलिए क्योंकि ना हम ऐसे सोफा सेट है ठीक है सोफा सेट के बीच में शीशे वाला टेबल है तो मैं भी सोफा टप टप के मैं दिखा रही थी अरे मैं कितनी टपकू हूँ ऐसे तो करते करते साइड में पता नहीं कैसे मैं कांच वाले टेबल पे गिर गई और ये मेरा काट और इसके बाद यहाँ पे आप थिंक आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मेरे हाथ पे यहाँ यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था आई थिंक मैं कौन सी क्लास में थी फोर्थ क्लास में थी मेरी यहाँ पे एक्स्ट्रा हड्डी थी जब मैं किसी को बोलती हूँ ना मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा हड्डी थी पता नहीं लोग समझते कि कितनी बड़ी हड्डी थी भाई इतनी बड़ी हड्डी नहीं थी कि मैं भाई नाक से साफ करती थी ब्रश भी से करती थी कौन साफ करने के लिए ऐसे कर लेती थी इतनी नहीं थी इतनी से एक्स्ट्रा हड्डी थी बस वो बढ़ रही थी तो इसीलिए वो मैंने कटवा दी तो ये मेरे पांच टांके सो तो अगर मैं फैमिली इन्वॉर्मेंट की बात करूँ तो मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं ठीक है बहुत सीरियस वे में लड़ते हैं बट एज अ व्यूअर मैं और मेरे भाई उस लड़ाई को देख के हंसते हैं मतलब तो कभी कभी तो हमें इतनी हंसी आती होती है ना बहुत ज्यादा मेरे पापा ये सबसे लड़ते हैं ठीक है मेरे से भी बहुत लड़ते हैं और मैं बचपन से मुंह फट बहुत हूँ बाहर इतना नहीं बोलती हूँ आई थिंक मैं अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहती थी पहले बट घर में भाई मेरी जबान इतनी चलती है इतना उल्टा जवाब देती हूँ ना अपने एज से भी ऊपर बढ़ के मैं जवाब देती थी उस टाइम पे अभी फील होता है कि भारतीय तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बट उस टाइम पे हम बच्चे थे यार किसी की रोक टोक अगर हम हम सह नहीं पाते हैं तो भाई इतना जवाब देती थी पर ना मेरे मेरे पापा की ये बात है हम लड़ते लड़ते ना हंस देते थे तो जब भी मतलब इतना लड़ो इतना लड़ो कि पापा बीच में ऐसा कुछ टोंट सा मारते कि मेरी हंसी निकल जाती है या मैं रोने लगती हूँ तो पापा हंसने लग जाते हैं अगर सीरियस वे में मेरे पापा की किसी से भी सीरियस वे में लड़ाई हो जाती है हम चारों का एक ही काम है पापा को छोड़ के सॉरी तीनों का एक ही काम है मेरी मम्मी का और मेरे भाई का कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं हम लोग सारा गुस्सा खाना पे निकालते स्पेशली मेरी मम्मी बट मेरे पापा बड़े प्यार से आते जब मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है तो मेरे पापा खाना बनाते हैं और मेरी मम्मी को खिलाते हैं मतलब बड़े प्यार से वो चीज इतनी अच्छी लगती है ना वो आज के जमाने में नहीं देखने को मिलेगी कि इतना लड़ने के बाद भी वो साथ में है और वो लड़ी लड़ाई बहुत अच्छी है यार कभी मैं दिखाना तो नहीं चाहूंगी बट वो हमारे लिए सिर्फ बट जो भी है वो फैमिली किसी के पास नहीं है जो मेरे पास है बहुत बनी है बीच में मैं बहुत शांत होने लग गई थी पता नहीं आई थिंक अडोल्ट हिट कर रहा था या कुछ ऐसा और मेरी दादी जी की भी डेथ भी हुई थी फिर मैंने स्कूल चेंज किया मेरे फ्रेंड्स चेंज हुए मतलब मेरा सब कुछ अलग सा हो गया तो मैं बहुत डाउन सी होने लग गई थी तो भाई उस टाइम पे ना मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी तो वो सीन मेरा अलग है लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब मैं कॉलेज में एंटर करती हूँ मैंने नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन किया था कॉलेज में एक अलग ही चुल होती है ठीक है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हम बैक पेंचर्स होते थे हम पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे तो टीचर्स हमें ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाती थी जैसे मैंने फीस नहीं जमा हुई तो हमें बाहर बाहर भेजते थे कि भाई तुम लोग बाहर बैठो हम भी अच्छे से अपनी चद्दर वगैरह बाहर बाहर लेके आते थे हम बैठ जाते थे या हम लोग बाहर घर के लिए निकल जाते थे डे स्कॉलर हम होते थे हॉस्टल्स के रूम में जाके खाना बनाना अलाउड नहीं होता था बट कैटल में खाना बना के खाना ब्रेक के टाइम में उनके कमरे में जाके सो जाना कभी कभी कपड़े गंदे हो जाए तो हॉस्टल में ही धो लेना हम इतनी बार बाहर निकाला गया है ना हमारी यूनिवर्सिटी से मतलब प्रॉपर ऐसे सर्टिफिकेट के साथ नहीं बट बहुत बार हमारा फोन भी एक बार डिपॉजिट हो गया था क्योंकि हमने ये नर्सिंग में ना हमारे कुछ डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए थे टीचर हमें कहते थे हम कहते थे हमने पढ़ना आप निकल जाओ ऐसे भी हमारे साथ कुछ कुछ चीजें हुई है मतलब मेरी फ्रेंड्स हमने बहुत कांड किए अब कांड में मैं बताऊं तो आई डोंट नो कि अगर सिटीज में ये है कि नहीं है बट पंजाब में वेन्सडे को ना मूवी की टिकट फिफ्टी परसेंट फ्री होती है मतलब सौ रुपए लगते हैं हमारे पास उस टाइम सौ रुपए होते थे हर महीने के वेन्सडे को टिकट मतलब हम मूवी देखने जाते थे अच्छे से तैयार होके और मम्मी पापा को नहीं पता हम तो कहते थे हम कॉलेज में जा रहे हैं बट हम मूवी देखने जाते थे और मूवी देखने के बाद हमें खाने के लिए अच्छा सा चाहिए तो किसी की भी शादी में चले जाते थे क्योंकि जिस एरिया में वो मूवी थिएटर था वो बहुत रिहायशी इलाका था अच्छे से तैयार होके किसी की भी शादी में खा लेते थे अब यार शादी में तो कितना सामान वेस्ट ही होता है ना तो कुछ हम गरीबों के पेट में चलने जाएगा तो क्या होगा वो भी अमीरों की शादी थी हम एक दो भूखे लोगों को खिला देंगे उनका भला ही होगा तो हम उसी सोच के साथ जाते थे बट एक दिन हमारे साथ ये हुआ कि हम गए थे और वो किसी की बर्थडे पार्टी थी उन्होंने ज्यादा अच्छे से किया बट इतने लोग नहीं बुलाए थे और हम अच्छे से अंदर गए और वो बर्थडे पार्टी थी तब हम पकड़े गए उसके बाद हम लोग नहीं गए अरे मैं बीच में एक पार्ट ऐड करना भूल गई कि मैं जब मूवी देखने जाती थी उसमें एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था मतलब हम तीन लोग थे एक एक्टिवा पे तो हम लोग एक्चुअली बहुत फ़ायदा उठाते थे क्योंकि हम एक वाइट कोट वाले स्टूडेंट्स होते थे तो हमें कोई गली मतलब रोकता नहीं था बट एक दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर में चोट लग गई थी और घर वालों को लगता है कि मैं कॉलेज जा रही थी तब मेरे पैर में चोट लगी थी बट नहीं मम्मी हम मूवी देखने जा रहे थे तब हमें चोट लगी और हम जब हमारे भाई पैर कांप रहे थे ये वगैरह और हम वहाँ पे सोच रहे थे एक्चुअली खड़े होके कि यार चोट तो अब लग गई है ट्रीटमेंट चलेगा बाद में हम पहले मूवी देख के आ जाएँ सो हम पहले मूवी देख के आए फिर हमने ट्रीटमेंट करवाया था अपना मतलब हम इस लेवल के गधे थे उस टाइम पर अगर मैं अपनी भरी कहानी में कुछ पॉइंट्स ऐड करना ना तो सच्ची बताऊँ मेरा कॉलेज झंड था झंड मतलब बहुत बड़ा झंड जैसे हमारे तो फेस्टिवल्स ही नहीं होते थे इतने मतलब मैं अपने भाई का देखती हूँ ना उसके तो रात के उस यूनिवर्सिटी हमारी डिसिप्लिन के नाम पे कोई फेस्टिवल ही नहीं करते थे और ऊपर से थे दूसरे डिपार्टमेंट के लड़कों से बात कर लो भाई सिर पे ही बात चढ़ा देते थे एचओ के पास बात पहुंचा देते कि वो लड़कियां उन लड़कों के दूसरे डिपार्टमेंट के लड़कों से बात कर रही थी भाई एकदम तो यूनिफॉर्म में होते थे ठीक है हमारा कोई मेकअप नहीं कोई कुछ नहीं कान में इर नहीं हाथ में ये सब नहीं नर्सिंग काला की तरह जूड़ा बना के जाना भी जूड़ा नेट वाइट शर्ट वाइट पैंट ये सब हम पहनते थे हमें कौन देखेगा लड़का और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें करते थे भाई हम कोहड में पढ़ने वाले बच्चे अब हमें ऐसी तुम चीज़ें बताओगे हम तो भाई तुम नल्ले बन रहे हमारे सामने तो मेरी जो स्कूल लाइफ है ना हाई स्कूल से पहले जो मतलब दसवीं क्लास तक मेरा स्कूल है भाई उसमें तो मतलब मेरा स्कूल ना स्टडी वाइज बहुत अच्छा था बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उन्होंने मेरे को दबा के रखा हुआ तो मेरी कोई एक्टिविटी ही नहीं बाहर आने दी उन्होंने मतलब हम स्कूल जाते थे बैठते थे पूरे दस सब्जेक्ट पढ़ते थे और हमारी टीचर्स भाई बोल के चली जाती थी स्कूल में क्या सोच लेते ये सीट फिक्सेशन के मतलब सीट फिक्स कर देते थे भाई तुम्हें उसी पर बैठना ही उसी पे बैठना है उसी के साथ बैठना है भाई जन्मों जन्मों का रास्ता बना दिया उसके साथ भाई उसको चेंज करने के लिए कर तो उसके सिर में जुए है मेरी मम्मी बोलती है ये सब वगैरह बट टीचर नहीं चेंज करती थी फिर रोटेशन आ जाती थी गर्मियों में कि भाई पहले बेंच पे हर बच्चा बैठ गया फेयर कॉपियां बनवाते थे पता नहीं तुम लोगों को पता है वो नोटबुक कालियां करवाते थे फेयर नोटबुक वो चेक होती थी वो जेल पेन से ही लिखनी होती थी टेंथ में मैं निकलने वाले टाइम में थी मेरे बोर्ड के एग्जाम आ रहे थे तो मैंने एक कांड किया था मतलब मैंने नहीं किया था बट मेरे ग्रुप ने किया था पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती थी तो मैं भी प्रिंसिपल के आगे ऐसे छाती तान के गई पहले कि मैंने नहीं किया है मैं रोने लगी फिर मैंने नहीं किया फिर वो प्रिंसिपल कहते कि नहीं नहीं तुम अपने पेरेंट्स को बुला फिर मैंने कहा ठीक है भाई मुझे अलग ही था उस टाइम पे मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस होता कभी कभी मैं सोचती हूँ ना मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताते क्या हुआ था एक ना टीचर है वो ना बाकी बच्चे मेरे हमारे ग्रुप के जो बच्चे उनको कहते थे कि तू तो हमारे साथ हमारे ट्यूशन पे आ जा हम ना तेरे को लड़कों के साथ बिठाएं कुछ ऐसे हमें बातें सुनने को आई थी उस लड़की के थ्रू ऑफकोर्स हम अपने फ्रेंड पे बिलीव करेंगे तो हमने क्या किया उनकी जो बेटी है ना वो हमारी क्लास में थी तो हमने ना उसको भी पहले उस बोला कि ऐसे क्यों तेरी मम्मी बोलती उसकी बेटी में पता नहीं क्या एटीट्यूड ही था तो हमने क्या किया उसकी मम्मी का ना फ़ोन नंबर जो होता है ना वो लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना जब तो किसी ने उसकी मम्मी को फ़ोन कर दिया ओ माय गॉड जब नंबर जब किसी ने देखा ना तो मेरी राइटिंग सबसे यूनिक है मेरी स्कूल में क्योंकि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ को ऐसा कुछ प्राइज़ मिला था राइटिंग कंपटीशन में तो मेरी राइटिंग याद थी टीचर को तो वो भाई उसने पकड़ लिया अब मुझे प्रिंसिपल ने बुला लिया तो ये मेरे साथ कांड हो तो मेरे मम्मी पापा गए थे अभी मैं दिमाग लगा रही तो सोच रही कि हाई स्कूल मेरा बहुत अच्छा था एक और मुझे किस्सा याद आया है कि मतलब हम ट्यूशन में जाते थे ना तो ट्यूशन में दो ही महीने गई थी मतलब कोई फायदा तो नहीं था बट हम ट्यूशन गए थे तो ट्यूशन में ना सर्दियों में किसी को भी घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता बट हम ग्रुप अब हमें तो स्कूल से निकल जाना है हम कभी नहीं मिलेंगे तो हम सोच रहे थे अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करते हम ट्यूशन से जाते थे घर के लिए हम सबकी बजा के भाग जाते थे हम प्रिंसिपल की घंटी प्रिंसिपल के घर की घंटी भी बजा के भाग जाते थे मतलब वो मतलब बड़ा मजाजा आता था और ये घंटियों वाला मतलब किस्सा है गली यार yeah, गलीकोर्स हमारे इंडिया में जो मर्जी कह लो छेड़ने वाले लोग तो छेड़ते बहुत है छेड़ने आते थे ना तो मेरी टेंथ वाली लड़कियां बहुत ही मतलब ऊपर लेवल की मतलब बेजती करने वाली थी वो आते थे ना भाई गली में जो लोग आते थे आप मतलब हम पंजाबी में बोलते थे हमारे ग्रुप जो है ना ये सब चीजों में कमी था मतलब ये 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 प्यार मोहब्बत वाले में हम लोग उल्टे थे अगर किसी के साथ कोई कांटा भिड़ रहा है ठीक है अगर वो गेड़ी पे आया तो उसके नाम से उसको छेड़ने वाला काम भी हमने बहुत किया जैसे Of course, I think, सारे लोग ऐसे करते हैं अगर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर वो उनका किसी के साथ कांटा चल रहा है क्लासमेट भी किसी के साथ कांटा चल रहा है तो नाम से तो अब तुम छेड़ती हो भाभी जीजू ये सब कहके ये सब भी हमने बात किया है अभी मैं लेटी थी तो मुझे एक और बात याद आ गई अपने बचपन की कि आई थिंक सभी बच्चों ने किया होगा ये हमें ना टेंट बना के पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था कमरे में हमसे होमवर्क नहीं होता था लेकिन बाहर मम्मा ने जैसे चद्दर सुखाने के लिए रखी हुई है ना उस चदर को मतलब दूसरे बनेरे पे ऐसे चिपका के वो ईटे लगा के वो एक टेंट सा बना लेते थे फिर वो टेंट में बैठ के धूप इतनी सड़ी हुई लग रही है फिर भी उस गर्मी में हम बैठ के वहां पे होमवर्क करते थे कमरे में पंखे के नीचे होमवर्क नहीं होता था हमसे अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करूँ तो मैंने पार्टिसिपेशन शुरू किया था टेंथ या नाइन्थ क्लास से मैंने डांस परफॉर्मेंस की थी अपने ग्रुप के साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ और उसके अलावा मुझे राइटिंग का अलग ही है मुझे ऐसे लिखना या कुछ सीनेरियोज वगैरह लिखना का भी शौक था बीच में मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया बट मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन में ऐसे पार्टिसिपेट किया था जिसमें तो मैं सीनैरियोज़ वगैरह लिख के मैंने सबमिट किया हुआ है प्राइज तो नहीं मिला बट हाँ एक मेरी अच्छी पॉइंट अच्छी बात मुझे अभी तक ये लगती है कि मैं पैसे बहुत जल्दी खर्चती नहीं मुझे पैसे जोड़ फिर एक साथ खर्चा करने में बहुत मज़ा आता है तो मैंने बचपन से जैसे मुझे पाँच रुपए मिलते हैं पाँच पाँच दस पंद्रह मतलब पाँच रुपए मेरे और मेरे भाई के बट भाई को मैंने कभी दिए ही नहीं तो पाँच रुपए मेरे फिर दस रुपए ऐसे पंद्रह बीस बीस करके मैं बहुत अच्छी से कोई चीज़ खरीदती थी मैंने बहुत कपड़े भी ऐसे खरीदे अपने लिए जो मेरे मम्मी पापा को तो कभी पसंद नहीं आया बट मुझे बहुत अच्छा लगता था मतलब मम्मी को पसंद नहीं आया बट मैंने ऐसे काम बहुत किए ये मुझे लगता है कि मैंने इंडिया में ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी की है मैं पूरा दिन टीवी देखती रहती थी कोविड में भी मैंने यही किया है कोविड में तो हमारे घर से खाना बन के जाता था लोगों के लिए वो सब भी हमने बहुत देखा है मैं कोविड में इंडिया में थी काफ़ी टाइम हम एक्चुअली मैं हम एक गुरु जी को मानते थे तो हम आश्रम जाते थे साथ में हम वहाँ पे आश्रम की यादें भी मेरी बहुत अच्छी हैं और एक और बात याद आई कि ओ oh ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं ओके okay, तो छोटे होते ना राधा बनने का शौक मुझे बहुत है क्योंकि बहुत सारी चीजियाँ मिलती थी खाने खाने के लिए अब देखो तुम बच्चे हो चाहे तुम्हें तो घर वाले जितना मर्जी खिला दे बट दूसरों की चीज़ें छीनने चीज़ में या मिलने में अलग ही मजा है खाने वगैरह की तो राधा बनने नहीं देते थे तो मैं क्या करती थी हमारे कमरे में मतलब मेरी मम्मी हमारे मंदिर में माता रानी की चुन्नी होती थी और मैं कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत अच्छे से तैयार होती थी पहले ही मंदिर के लिए निकल जाती थी और मैं चुन्नी लेके बैठ जाती थी ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें खाने को मिले मुझे लोग राधा या गोपी समझ के मुझे खाने की चीज़ें दे ये मैंने बहुत बार किया मम्मी को नहीं पता है Uh, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कि मुझे एक्टिवा चलाना आता है मेरे पास लाइसेंस है मैं, मैं एक नर्स रह चुकी हूँ सो मुझे इंजेक्शन लगाना या सूचर्स लगाना वूंड मतलब जो होता है जख्म की के केयर करना ये सब मुझे आता है क्योंकि मैंने नर्सिंग की हुई है अभी मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी करी मतलब जी स्कॉलरशिप ने मैंने फ्लो फ्लो में फिल किया सच्ची बताऊँ तो मुझे ऐसा, ऐसा था नहीं कि मुझे मिलेगी या मुझे चाहिए ये तो फ्लो फ्लो में बहुत सारी चीजें अप्लाई कर रही थी तो सारी चीजों के लिए कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करी थी ये भी बीच में अप्लाई हो गया और इसमें मुझे मिल गया और घर वालों ने मना भी नहीं किया तो लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि दीदी आपके घर वाले कैसे गए वगैरह मेरे घर वालों को तो पहली बात मैंने बताया नहीं था तो जब फाइनल रिजल्ट्स आया तब उनको बताया तब उनको लगा कि शायद ये झूठ हो सकता है बट जब मैंने उनको बताया कि ये अम्बेसी में भी ऐसा होता है फिर उन्होंने किसी अच्छे बंदे से पूछा कि अगर एम्बेसी वाले अगर ऐसा कर रहे हैं तो सच है तो उन्होंने कहा हाँ ये सच हो सकता है तो उसके बाद फिर हमने ये प्रोसेस आगे रखा हम वीजा बनाने के लिए मम्मी साथ में गई या ऐसा ये मतलब जी किस ना मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसा सा क्विक सा मोमेंट हुआ ना कि मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या था तो मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से अगर मैं अपने ड्रीम एम के बारे में बात करूं तो बचपन से ही मुझे वो सब बनना था जो मैं टीवी पे देखती हूँ अगर टीवी पे सुपरमैन बन रही है कोई लड़की तो मैं भी सुपरमैन बनूंगी अगर कोई शेफ बन रहा है तो अगले दिन मैं भी कढ़ाई चलाती हुई दिखूंगी अगर कोई उसमें एक्ट्रेस बन रहा है तो वो मैं एक्ट्रेस बनूंगी गाना गाऊंगी सिंगर बनूंगी वो सब मेरे में खूबी है ये सब मुझे लगता था मैं हर कुछ बनना चाहती थी टीवी वाला बट एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं पावर रेंजर्स में बहुत आ गई थी मैं बहुत भाई अपने भाई के साथ पावर एस पी डी एमरजेंसी ये सब करके तलवारबाजी मैंने बहुत की है बेब्लेड बनने की कोशिश मैंने बहुत की है जबकि वो सब रियल नहीं है थैंक मैंने आज तक अभी पॉक्यूमन ट्राई नहीं किया फिर बीच में ऐसा पॉइंट आया जब मुझे लगा कि भाई ये लाइफ अब सीरियस हो रही है तब मैंने सोचा मेरे मम्मी पापा का ना यही था कि भाई मेरी बेटी ना डॉक्टर बने सबका यही होता है डॉक्टर बने आई ऑफिसर बने मेरे पापा का भी सेम था मैंने कहा ठीक है बट मुझे कभी डॉक्टर नहीं बनना था मुझे घर वालों को मैंने कभी बताया नहीं है मतलब मैंने कहीं पे क्या मेरे मन में मैंने क्या ऐसा टीवी पे देखा है या यूट्यूब पे देखा था कि किसी डॉक्टर की गलती की वजह से कितने लोग मर गए तो मैं वो चीज नहीं करना चाहती थी कि मेरी वजह से कितने लोग मर चुके हैं क्योंकि डॉक्टर के हाथ में जिंदगी होती है वो कितनी बड़ी चीज है तो इसीलिए मुझे कभी भी डॉक्टर नहीं बनना था ना ही मैंने उसके लिए कभी मेहनत की नीट का भी एग्जाम मेरा ऐसे ही गया था लल्लू बंजू की तरह बट मेरे पापा ने मुझे बहुत अप्लाई हर जगह अप्लाई करवा दिया मेरे भाई का भी अभी यही सीन चल रहा है मेरे पापा हर जगह अप्लाई कर देते हैं चाहे बंदे को आए ना आए मेरी तरह और फिर वो बंदा करता रहे जो करना अगर कर किसी में निकल गया तो आगे बढ़ो नहीं निकला तो दूसरा पेपर फिल कर दो मेरे पापा का सेम कंसेप्ट मेरी तरह है मतलब मैंने पापा से ही ये गुड़ पाया है एक फिर मेरा पैरामेडिकल का गया तो उसमें नर्सिंग में मैं सेलेक्ट हो गई नर्सिंग में, में तो थोड़ा ऐसा लगा फिर उसके बाद लगा कि नहीं नर्सिंग में भी लोग मरते हैं तभी मैं ये थेरेपी वाले चीज में आई हूँ और अगर मेरी फैंटसीज की बात की जाए तो मुझे बहुत सारा पैसा कमा के शादी शुदी का मैंने कभी नहीं सोचा है कभी नहीं मतलब कभी नहीं वो कभी कभी रात में कुछ दुख भरी रील्स आ जाती हैं सो मैं थोड़ा बहुत अकेला फील कर लेती हूँ सुबह उठ के मैं फिर ताज़ी हो जाती हूँ दो चार बहा के कि भाई ये सब आजकल कोई ट्रस्ट का मतलब मैं देखो दिल से दिल की बात करूँ ना अगर तो आजकल कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है ठीक है लॉयल्टी तो कहीं नहीं रही है कोई भी किसी से भी बेटर मिलता है ना तो लोग अच्छे ऑप्शन की तलाश में बहुत लोगों को चीट कर देते पांच पांच दस दस साल का रिलेशन भी ऐसे ही नीचे गिर चुका है सो मुझे उन चीजों में पढ़ना ही नहीं है ना ही मैं हूँ सो सही है आप लोग अभी जहां पे हो ना जो लोग रिलेशन में हैं बेटर है कि आप अपने करियर पे फोकस करो मैं सिंगल हूं इसलिए नहीं ऐसा बोल रही ये रियलिटी है आजकल की हमारे मम्मी पापा की तरह नहीं कि भाई हमारे मम्मी पापा जो है ना मेरी मम्मी अगर मेरे पापा को फोन करती है और मेरे पापा नहीं उठा रहे हैं या मेरे पापा मेरी मम्मी को फोन कर रहे हैं मम्मी नहीं उठा रही है कोई कुछ नहीं बोलेगा कोई नहीं घर आके बात कर लेंगे या कल बात कर लेंगे इसके बारे में कुछ ऐसा है कुछ मतलब ही नहीं है लेकिन आज कल के टाइम में अगर तुम फोन नहीं उठा रहे हो तुम किससे बात कर रहे थे तुम्हारे चीट किया ये किया अरे वो लड़की कौन है इतनी इनसिक्योरिटीज आ गई ना आजकल मतलब सीरियसली मैं अभी सोच रही थी अपने सारे बचपन की यादें वगैरह तो वही सोच रही थी कि कितनी अच्छी गई है मतलब मेरा कभी ऐसा कुछ ट्रामा रहा ही नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी मेरी हैप्पी लाइफ है हैप्पी फैमिली है मतलब सब कुछ सही चल रहा है जैसा लोगों को नहीं मिल पाता है सो आई एम हैप्पी विद दैट और भगवान का शुक्र है कि ये सब है और कभी किसी को किसी की नज़र ना लगे मेरी फैमिली पे या मुझ पे जी काला टीका ओके okay, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या ऐसी पॉडकास्ट में जिसमें मे भी मैं कोरिया से रिलेटेड अब एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इंडिया का अब सब कुछ खत्म हो गया अब मैं कोरिया पे आऊँगी एक्सपीरियंस वगैरह देखते हो क्या क्या शेयर कर सकती हूँ बाय <laughs> मैं कितना बोलती हूँ सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अरे पता नहीं क्यों मेरी बचपन की यादें मुझे फ्रेगमेंट्स में याद आ रही काफी बुढ़ापा लगता मुझे आ गया है so, सो मैं अपने भाई के साथ आपको कनेक्शन बताना भूल गई मेरा भाई पांच साल छोटा है तो उसको मैं अभी बड़ी हो गई समझदार हो गई हूँ ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने भाई को अपने बच्चे की तरह रख रही हूँ बट जब मैं छोटी थी आई थिंक हाई स्कूल में थी या कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में मतलब मैं मैं नहीं हुई थी अठारह साल से कम की थी तब मैं अपने टाइम में बहुत निर्दयी बहन हुआ करती थी भाई को पिटवाना ही मेरा एक लौता काम था उसको मैंने बहुत पिटवाया है खुद बहुत मारा मेरे तो हाथ चट चट बहुत बजते थे उस टाइम पे और मतलब उसने इतना सहा है मैं उसको सॉरी बोलना चाहूंगी का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है जैसे यूट्यूब स्टार्ट करना था उसी ने मुझे सजेस्ट किया था हम जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना तब तो हमने सोचा था कि हम इकट्ठे यूट्यूब बनाएंगे हमने सोचा कि ऐसा करते पहले तो हम कंटेंट सोच रहे थे हम हिंदी सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करेंगे वो हमसे नहीं हो पाया हम सारा दिन लूडो ही खेलते रहते थे ये यूट्यूब फिर उसी की वजह से स्टार्ट हुआ कोई भी अगर मुझे प्रॉब्लम आती है ना मोस्टली मैं अपने भाई से ही पूछती हूँ अगर अगर मैं अगर छोटे होते की बात करूँ सेम नॉर्मल भाई बहन की तरह हम खाना बंटवारा बहुत करते थे मतलब अगर कोई बिस्किट आया है उसमें सात पीस है तीन इधर तीन इधर आधा करने में एक जो बिस्कुट है उसको आधा करने में ना बहुत प्राण निकल जाते थे हमारे भाई एक और बात याद आ रही कि छोटे होते ना मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था मतलब मैं लौटो से कम नहीं हूं मैं ये समझती थी छोटे तो होते ना भाई लै दगड़ 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 मैं पतंग उड़ाती थी पटाखे फोड़ती थी लोगों मतलब हाथ में पूरा वो छोटे छोटे नहीं होते वो ऐसे दीवारों पर किच किच करके पटाखे फोड़ते वो फोड़ती थी अपना दलेरी दिखाती थी पूरी तो पतंग एक बार ऐसे मतलब मैं अगर बड़े बंदे का अगर किसी का काट दू पतंग तो बाद में पिटाई तो होती ही है या किसी के मैंने पतंग फाड़ दी अगर घर में आई है तो वो वो भी मतलब पीटी जाती थी मैं मतलब मैं बाहर के लोगों से भी बहुत पीटी गई हूँ जब मैं पतंग मतलब मेरी मम्मी पापा को ना टेंशन होती थी कि बहुत लोगों से सुनते थे पतंग के चक्कर में कोई गिर गया कोई गिर गया बट मेरे को कोई मतलब नहीं था। मैं थे थे मैं की जब मैंने पतंग काटी ना तो मतलब गुस्से में मैंने उसकी पतंग ही फाड़ दी वो लड़ रहा था एक पतंग के लिए मैंने फाड़ दी ना तो उसने मुझे मतलब ऐसे धक्का मारा मैं गिर गई और फिर उन्होंने मेरे ऐसे सीने पर मतलब उसने जंप मारा मतलब जंप मार के मेरे सीने पर चढ़ गया जिसकी वजह से मुझे उस टाइम पे सांस की प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज्यादा अभी भी कभी-कभी स्टार्ट हो जाता है बट वो मुझे याद है कि ऐसा कोई सीन हुआ था चलो ये तो हुआ ही हुआ बाद में मेरे पापा ने मुझे बहुत पीटा लै इतना लै पापा ने मुझे पहली बार अगर कभी बहुत पीटा होगा बट उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा पीटा था वही मुझे याद है मम्मी तो बैठती रहती थी बट पापा ने उसने बहुत ज्यादा पीटा था पतंगे चक्कर में तो गलती भी मतलब मेरी नहीं थी शायद बट मैं पीटी गई थी फिर बाद में मेरे पापा की एक आदत है अगर वो बहुत पीटते हैं तो बाद में बहुत अच्छा अच्छा खाने को देते हैं तो भाई उसके बाद मैंने बहुत सारे रसगुल्ले भी खाए थे बट वही मुझे याद है मेरे पापा ने मुझे उस टाइम भी बहुत पीटा था अभी यार मेरी कितनी गंदी लग रही हूँ मैंने अभी अभी, अभी अपनी मम्मा से पूछा कि मेरे बारे में मेरी माँ को क्या पता है तो मेरी मम्मी कहती कि ना तेरे स्कूल से मतलब टेंथ क्लास तक मतलब मेरी यही कंप्लेंट आई है कि ये लड़की बहुत बोलती है मतलब ये अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती है फिर दूसरों से बातें करके फिर उनको काम नहीं करने देती है तो इसको प्लीज इसको बोलो कम बोला करे मतलब मैं छोटे होते से ही बहुत बोलती हूँ ये मेरी माँ को याद है अभी तक <laughs> यही कंप्लेंट है मेरी जो हर साल सुनने को आती थी मेरे गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे <laughs>